शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार के आह्वान पर प्रदेश को हरा भरा एवं खुशहाल बनाने के लिए प्रदेश भर में हरियाली तीज के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम के तहत वृहत स्तर पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ रहे तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर ही नियंत्रित कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने आमजन से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री दिलावर बुधवार को जोधपुर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित एक पेड़ माँ के नाम जिला स्तरीय वन महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण कर प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित अन्य उच्च अधिकारियों ने भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मंत्री दिलावर ने कहा कि इस पृथ्वी को बचना है, हम सबको वृक्षारोपण कर इनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। आज हरियाली तीज के अवसर पर हम सबको एक संकल्प लेना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कर इस धरती माँ का हरियाली रूप आभूषणों से सुसज्जित करना है। दिलावर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा आह्वान को साकार करते हम सबको मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम को सफल बनाना है। प्राचीन काल से पर्यावरण का महत्व रहा है, वेद और पुराण में इनका वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन संस्कृति में पेड़ को देव तुल्य माना गया है। हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना है कि हमने जो वृक्ष लगाए हैं उनकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी है, साथ ही उनकी हम रक्षा करेंगे यह संकल्प लेना है। आज हरियाली तीज पर बारिश होना इस बात का शुभ संकेत है कि प्रकृति भी हम पर मेहरबान है। दिलावर ने कहा, जोधपुर का खेजडली गांव, जो कि पर्यावरण संरक्षण अर्थात वृक्ष की रक्षा के लिए जाना जाता है, इस गांव के लगभग 363 लोगों के साथ मां अमृता देवी ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब जब धरती अथवा देश पर संकट आता है तो हम राजस्थानी पीछे नहीं रहते, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम लगभग 21 लाख पौधे लगाकर इस संकल्प को पूरा करेंगे, साथ ही जो भी पौधा लगे वे सब पेड़ बने, यह मेरा विश्वास है। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ और मुख्य वन रक्षक आरके जैन ने संबोधित करते हुए पर्यावरण प्रेम और संरक्षण का संदेश दिया। उल्लेखनीय है कि पौधों की जियो टैगिंग के लिए एक ऐप बनाया गया है। ऐप पर पौधे लगाने के बाद सभी पौधों की फोटो जियो टैगिंग के साथ अपलोड करनी होगी। इस ऐप से सभी पौधों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी, साथ ही वृक्ष प्रेमियों को ऐप के माध्यम से प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव दिनेश कुमार, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, आयुक्त जेडी उत्साह चौधरी, आयुक्त नगर निगम दक्षिण डॉक्टर टी सुभंगला, कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार, ब्रांड एम्बेसडर निर्मल गहलोत, उपवन संरक्षक मोहित गुप्ता सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।